हेलो फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस बाय शेयरिंग ब्रिज वाइवा में आपका स्वागत है। अब देख सकते हो, यू हैव टू मेजर अननोन कैपेसिटर एंड अननोन रेजिस्टेंस। दिस वन इज नॉन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस है, लीकेज रेजिस्टेंस, उसके दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये C1 क्या है, नॉन कैपेसिटर है। ये P, ये Q वेरिएबल है और ये C2 वेरिएबल है। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या AC सोर्स है। तो इसमें पहला वाइवा आपको पूछा जाएगा, विच फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल। तो आपको बोलना है, वी आर मेजरिंग हेयर अननोन कैपेसिटेंस एंड लीकेज रेजिस्टेंस स्मॉल आर। हमको शेयरिंग ब्रिज प्रैक्टिकल में क्या मेजर करना है, अननोन कैपेसिटर एंड लीकेज रेजिस्टेंस स्मॉल आर। बाद में दूसरा है, विच टाइप ऑफ ब्रिज यू आर यूजिंग, AC और DC। वी आर यूजिंग हियर AC सोर्स, सो दिस ब्रिज इज कॉल्ड AC। ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज माइक्रोफेरेडे एंड रेजिस्टेंस इज ओम। राइट द फॉर्मूला फॉर अननोन कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ओके, अननोन कैपेसिटर से इसको किस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकोगे, Q/P। Q ये वेरिएबल Q डिवाइडेड बाय P, ओके, इनटू C1। ये भी ये नॉन है, ओके, Q/P इनटू C1। ये C1 हमें कांस्टेंट रखा है, Q/P, ओके, इनटू C1। तो ये अननोन कैपेसिटेंस हमको मिलता है। बाद में अननोन रेजिस्टेंस इक्वल टू C2/C1। ये C2 डिवाइडेड बाय C1 इनटू P, ये अननोन रेजिस्टेंस मिलता है। और नेम ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज लीकेज रेजिस्टेंस। Thank you.